राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग का श्लोक 49 देखते हैं। पहला चरण मा मा ते व आधा य पूरा व्य व आधा य पूरा व्य व्यथा मा च च पूरा च में अमिक्स करेंगे च वी मुंह की मात्रा बड़ी है लंबा खींचेंगे विमूढ़ भावो। पहला चरण वापस माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो। दूसरा चरण द के नीचे री की मात्रा, इसको आप राइट साइड में देख सकते हैं, द आधा है, द के नीचे हलन और नीचे जो मात्रा है वो है री से ऋषि की, इसको पढ़ा जाएगा द्री। त्री के बाद आधा श दृश त आधा ट के नीचे हलन और वा टुआ दृश टुआ। र पर बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचेंगे रूप, शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म रूपम घोर, र पूरा र में अमिक्स करेंगे घोर। मी मी बड़ी मात्रा लंबा खींचेंगे मी, फिर वापस द्री, क्या हुआ द आधा री से ऋषि, इसको पढ़ेंगे द्री। मी द्री अनंग, ये क्या है अनंग, अनंग का क्या काम होगा, द्री के बाद अगर अनंग है तो द्री पर आधे न की बिंदी लगेगी, आधा न दिख रहा न की नीचे लन, इसको पढ़ेंगे मी द्रिन, क्या पढ़ेंगे मी द्रिन। म पूरा म में अमिक्स करेंगे म में द पूरा म आधा, आधे अक्षर को पूरे के साथ दम मी द्रिन ममी दम। दूसरा चरण वापस दृष्ट्वा रूपम घोर मी द्रिन ममी दम। पहला और दूसरा चरण साथ में माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मी द्रिन ममी दम। तीसरा चरण व आधा य पूरा, इसको पढ़ेंगे व्य, य पूरा य में मिक्स करेंगे व्य पेत, व्य पेत भी की मात्रा बड़ी है लंबा खींचेंगे व्य पेत भी, ई की मात्रा बड़ी तो विसर्ग को पढ़ेंगे ही व्य पेत भी। प्र प्र को राइट साइड में देखें आधा प, प के नीचे हलंत दिख रहा है प आधा और र पूरा प्र, यहाँ पर ई की मात्रा लगी हुई है तो प आधा ही रहेगा और र पर ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी री प्री। त पूरा त में अमिक्स करेंगे प्रीत, म पूरा म में अमिक्स करेंगे मना, आ की मात्रा विसर्ग को पढ़ेंगे हा मना हा। पू न पुनस, न पूरा आधा स पुनस, त आधा व पूरा त्व, शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा मत्वम पुनस्त्वम। तीसरा चरण वापस व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वम। चौथा चरण त पूरा त में अमिक्स करेंगे तदेव, व पूरा व में भी अमिक्स किया तदेव में रूप, रू बड़ी मात्रा लंबा खींचेंगे रूप में द, द पूरा द में अमिक्स किया मिद, शब्द पुराने के बाद अनुस्वार आधा म मिदम। प्र प्र का अर्थ हुआ प आधा र पूरा प्र, प के बाद आधा श पश प्र पश, य पूरा य में अमिक्स करेंगे प्रपश्य। चौथा चरण वापस तदेव मे रूप मिदम प्रपश्य। तीसरा चौथा चरण साथ में व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। शब्द पूरे श्लोक का अर्थ देखेंगे, पूरे श्लोक का एक बार उच्चारण देखेंगे माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मेद्रिन् ममेदम् व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं
प्रपश्य। एक बार वापस, माति व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रन् ममेदं व्यपीताभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मी रूपमिदं प्रपश्य। अब अर्थ देखते हैं श्लोक का। माँ नहीं ते तुम्हें व्यथा परेशान, माँ नहीं च और विमूढ़ भावो, विमूढ़ भाव क्या बोला भगवान ने अर्जुन को कि तुम्हें अब ये घबराना भी नहीं चाहिए और ये विमूढ़ भाव भी नहीं रखना चाहिए। दृष्ट्वा देखकर, रूपम रूप घोर उग्र, अब इस शब्द को तोड़ के तीन शब्द बनेंगे, क्या क्या, मी दृन ममेदम। इसमें एक शब्द है ई दृन, क्या है ई दृन, ये जो शब्द है इसको तोड़ के यहाँ पर लिखा, म पर बड़े ई की मात्रा थी तो उसको यहाँ पर लिख दिया बड़ी ई, उसके बाद में दृन ई दृन, फिर मम और इदम, अ ये अ और ई मिलकर ए बन गया, इसलिए यहाँ पर बन गया ममेदम। ठीक है, अब ई दृन का अर्थ क्या हुआ, ई दृन का अर्थ हुआ इस प्रकार का, मम मेरा और इदम यह, मेरा यह इस प्रकार का घोर रूप देखकर तुम्हें न तो परेशान होना चाहिए न ही विमूढ़ भाव रखना चाहिए। व्यपेत भी यानी निर्भय हो जाना, अब तुम डरो मत, निर्भय हो जाओ। प्रीत मनः प्रेम से, पूरे प्रसन्न मन से, पुनस्त्वम फिर से, तदेव ये दो शब्दों से बना है तत् और एव, उसी में मेरे रूप, मेरे यानी चतुर्भुज रूप के लिए यहाँ पर बात आई है, मिदम इस प्रकार का यह प्रपश्य देखना, अच्छी तरह से देख लो। वापस इस श्लोक को बताते हैं, भगवान ने इधर घोर रूप यानी विश्व रूप दर्शन जो करवाया था विराट रूप, उसके लिए ये रूप शब्द प्रयुक्त किया और ये वाला चतुर्भुज रूप के लिए। पूरा अर्थ देखते हैं, इस प्रकार का यह मेरा घोर रूप देखकर तुम्हें ना तो अब घबराना चाहिए ना ही विमूढ़ भाव रखना चाहिए, अब तुम निर्भय हो जाओ और फिर से प्रसन्न मन से मेरे उसी चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख लो। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, ही मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। नारायण 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 नारायण।